प्रदेश के नवनियुक्त वन एवं युवा सेवाएं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने बिलासपुर के सर्किट हाउस में बातचीत करते हुए बताया कि जंगलों के जरिए रोजगार के साधन विकसित किए जाएंगे। पठानिया मंत्रालय मिलने के बाद शिमला से अपने गृह क्षेत्र नूरपुर जा रहे थे और सर्किट हाउस में कुछ समय के लिए रुके, जहां उन्होंने बिलासपुर के नेताओं व कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। अनौपचारिक बातचीत में पठानिया ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने बताया कि हिमाचल में 66% एरिया जंगलों के अधीन आता है और जंगल हमारे लिए बेशकीमती हैं, जिनके जरिए ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जुटाया जा सकता है। इसके लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग की जाएगी। वन विभाग के अधीन जो प्रोजेक्ट बिलासपुर, पोंटा साहिब, नूरपुर इत्यादि जंगलों पर चल रहे हैं, उनके जरिए भी ज्यादा से ज्यादा राजस्व जुटाने के लिए नई योजनाओं पर काम किया जाएगा। राकेश पठानिया के अनुसार जंगलों में खैर और चीड़ के पेड़ आमदनी का एक बड़ा सोर्स है। खैर और चीड़ को कैश क्रॉप बनाया जा सकता है। हालांकि इस बाबत एक प्लान तैयार करवाया जाएगा, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं के लिए घर द्वार पर ही स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वनों को रोजगार का एक उत्तम जरिया बनाया जाएगा, जिसके लिए सुनियोजित तरीके से योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी, ताकि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सके। वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की जाएगी। युवाओं के लिए ये पॉलिसी लाई जा रही है, जिसके जरिए युवाओं को लाभ मिलेगा। प्राथमिकताएं सारी है जी। अब जो हमारे पास 2-3 नए प्रोजेक्ट्स भारत सरकार की तरफ से आए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना और युवाओं के लिए नए रोजगार के साधन और वनों के माध्यम से युवाओं को नया रोजगार कैसे दिया जाए, इसके लिए हम एक बड़ा एम्बिशियस प्लान बना रहे हैं। उसके ऊपर अभी तो पहला दिन ही है, अब शिमला मंडे को पहुंचूंगा, उसके बाद बैठ के सारे विभाग के साथ चर्चा होगी और एक नया रूप फॉरेस्ट को देने का प्रयास करेंगे। और साथ में युवा खेल कूद भी है, युवाओं के लिए एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आ रही है, उसके ऊपर भी बहुत जल्द हम चर्चा करके उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सर, हिमाचल में वन कटान हुए थे, उनको लेकर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? अब देखिए, वन कटान बहुत पुरानी बात हो गई है, बहुत सालों से ये रिपोर्ट्स आ रही है कि कहाँ पे वन माफी एक्टिव रहा है, कहाँ पे वन माफी एक्टिव रहा है। अब वन माफी की बात नहीं है, आज 66% हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट के नीचे आता है और फॉरेस्ट के थ्रू हमें जो फॉरेस्ट वेल्थ मिलती है, जो हमारे जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, स्पेशली जो अभी हम एक नया प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो बिलासपुर में भी चल रहा है, पोंटा में चल रहा है, नूरपुर में भी चल रहा है, हम उन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से फॉरेस्ट वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें फॉरेस्ट वेल्थ से बहुत बड़ा रेवेन्यू एक पैदा हो सकता है। अब जैसे खैर है, अब जैसे चील है, हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स है एक युवाओं को नया रोजगार देने का। उसके ऊपर सरकार बड़ी गंभीरता से काम करने वाली है और उस पर